महाभारत का एक प्रसंग है और इस प्रसंग में कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए एक संवाद है। इस संवाद में कृष्ण से पूछते हैं कर्ण, कर्ण बोलते हैं हे कृष्ण, क्या मेरे सामर्थ्य का परिचय इस संसार को नहीं हो पाएगा। इस पर कृष्ण का उत्तर आता है कि हे राधे, तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियों का विस्मरण हो चुका है, तुम्हारे पास एक भी शस्त्र और अस्त्र नहीं बचे हुए हैं, तुम्हारे रथ का पहिया भूमि में धसा पड़ा है, ऐसी स्थिति का लाभ उठा करके तुम्हारा वध करना पड़ रहा है, क्या ये तुम्हारे सामर्थ्य का परिचय नहीं। जी हाँ, इस बार कलमकार के इस एपिसोड में मैं आप सबको कुछ सुनाने जा रहा हूं अंगराज कर्ण के बारे में। वो अंगराज कर्ण जिन पे बहुत सारे कलमकारों ने अपने कलम के धार को आजमाया, लेकिन उन सभी कलमकारों के बीच में जहां तक मेरा एक अंदेशा बताता है, मेरा एक उसमें सर्वे बताता है कि कर्ण के जीवन को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो उसके व्यथा पर और दूसरे उसके गाथा पर। यानी बोल सकते हैं एक तो उसके व्यथा पर और दूसरे उसके सामर्थ्य पर, दो भागों में बांट सकते हैं। तो अलग अलग कलमकारों ने अलग अलग तरीके से कर्ण के जीवन के व्यथा को भी और उसके सामर्थ्य का भी वर्णन किया है अपने कलम के द्वारा। आज उन्हीं महानतम कलमकारों में से एक बहुत ही युवा कलमकार जिनका नाम है अभी मुंडे, उनकी एक रचना कहानी कर्ण की मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से कर्ण के व्यथा और कर्ण की गाथा दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से पिरोया गया है। और इस कविता का संवाद कुछ यूं है, पांडवों को तुम रखो में कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, सूरज का अंश हूं फिर भी हूं अछूत में, आर्यवर्त को जी गले हूं ऐसा सूत पूत में, कुंती पुत्र हूं मगर ना हूं सी को प्रिय में, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूं क्षत्रिय में, आओ मैं बतलाऊं महाभारत के सारे पात्र ये, भोले के सारे लीला थे किशन के हाथ सूत्र थे, बलशाली बताया जिसे सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के, सोने को पिघला कर डाला सोने तेरे कंठ में, नीची जाति होके किया वेदों का पठन तूने, यही था तेरा गुना कि तू सारथी का अंश था, तो क्यों छिपे मेरे पीछे में भी उसी का वंश था, ऊंच नीच की ये जड़ तो वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था, माना था माधव को वीर तो क्यों डरा एकलव्य से, मांग के अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य है, रथ पे सजाए जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को, नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे, ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से अनजान में न घर का न घाट का, सोने सा था तन मेरा अभेद मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमका लाल नीले रंग का, इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी वचनों का मैं शौकीन था, घर ना दिया होता वचन वो मैंने कुंती माता को, पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ को, साम दाम दंड वेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खामखा बदनाम था, कौरवों के से होके भी कोई कर्ण को न भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा, भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा स्वर्ण, वर्ण में अशोक में तू तो खाली पर्ण है, कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को कण कण में कर्ण है,